और हमें जो एविडेंस में बहुत सारा चीज़ें मिले हैं तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तो मे भी ये हो सकता है बहुत लंबा हो ये चैप्टर और हो सकता है तीन से चार दिन या फिर पाँच दिन तक चले ये ये जाने के बाद में हम लोग का जो मेमोरी ट्रिक से जो भी याद करना रह जाएगा उसे भी याद कर लेंगे फिर ये हम लोग का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर का फिर हम लोग दूसरा सिलेबस में जाएंगे जो कि जोग्रफ़ी या फिर हिस्ट्री तो चलिए शुरू करते हैं तो हम लोग का जो आर्किटेक्चरल ये है हम लोग का जो सरवाइव के हैं एंसियट ये में मेडिवल इंडिया में जो रिलीजियस इन नेचर है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सारा अलग अलग चीज़ें हैं और अगर हम देखना चाहेंगे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री तो वहाँ पे हमें अलग अलग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जैसे कि हो गया टेंपल हो गया टम हो गया देन बिल्डिंग्स हो गया ये सब हमें देखने को मिलता है ये जो कि हमें ये इंडिकेट कराता है हम लोग का जोग्राफिकल इथनिक एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी को दर्शाता है या इंडिकेट करता है देन हम लोग का यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है और स्कल्पचर है वो अलग अलग है तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और टू ब्रॉड ऑर्डर ऑफ टेम्पल इन द कंट्री आर नॉन एज नगर इन द नॉर्थ एंड इन साउथ तो अगर हम टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो टेम्पल भी क्या है दो टाइप का है जो कि हम लोग का नॉर्थन इंडिया में और साउथन इंडिया में अलग अलग होता है जैसे नगर हम लोग का नॉर्थन में है और द्रेविड हम लोग का साउथ में है ये हम लोग का आर्किटेक्चरल का एक स्टाइल है और जो बेसरा स्टाइल है वो टेम्पल का वो क्या है दोनों का मिक्सिंग है तो ये सब क्या है अलग अलग है जैसे कि कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो सब हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में जाएंगे ओके तो यहाँ पे देख लीजिए नगर इन रेविडर स्टाइल क्या क्या होता है उसका टेम्पल का जो डिज़ाइन रहता है वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग है फिर उसका जो ये रहता है वो अलग है वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना वो सब क्या है हम लोग का नॉर्थ साइड में है बट अगर हम लोग साउथ इंडिया में देखेंगे तो सीढ़ी नहीं होता है डायरेक्ट ये में बनता है देन उसके बारे में भी बहुत सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ आर्किटेक्चर क्या है और हम लोग का स्कल्पचर क्या है उसका डिफरेंसेस को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे तो देखिए आर्किटेक्चर हम लोग का क्या है रिफर टू द डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हुआ है जो भी हम बिल्डिंग ये सब बनाते हैं मे बी हो टेम्पल टर्म या एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग उसे हम क्या कहेंगे आर्किटेक्चर कहेंगे आर्किटेक्चर जनरली यूजेस ए मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेटेरियल्स लाइक स्टोन वुड ग्लास मेटल सेंड एक्सेट्रा तो आर्किटेक्चर कोई भी चीज को हम लोग जब बनाते हैं तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है स्टोन का जरूरत पड़ता है आजकल तो हमें रॉक का जरूरत पड़ता है जो छोटा छोटा टुकड़ा में मिलता है देन वूड का जरूरत पड़ता है ग्लास मेटेरियल्स मेटल सैंड, सीमेंट ये सब का जरूरत पड़ता है तो उस समय क्या मिलता था सिर्फ स्टोन वूड ग्लास मेटल और सैंड ये सब चीज़ों से बनाते थे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे देन आर्किटेक्चर इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आर्किटेक्चर कौन कौन सा स्टडी में हम लोग का इन्वॉल्व होता है आजकल के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमें ये को मिलता है देखने को मिलता है जो कि एकदम एक्यूरेट रहता है उसका मेजरमेंट कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो उसका मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट रहेगा वो एकदम सीधा रहेगा या कैसे बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये हम लोग का हो गया आर्किटेक्चर स्कल्पचर क्या है देख लेते हैं स्कल्पचर आर द रिलेटिव स्मॉलर थ्री डिमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट तो ये क्या है अगर स्कल्पचर के बारे में हम बातचीत करेंगे तो वो क्या है आर्किटेक्चर से बहुत ही अलग है ये एकदम ये है और ये आर्ट है वर्क ऑफ आर्ट है जो कि बनाते हैं जैसे कि हम लोग का अलग अलग आइडल बनाते हैं कोई चीज़ बना लेते हैं तो वो सब क्या है बिल्डिंग में नहीं आता है आर्किटेक्चर में नहीं आता है वो हम लोग का स्कल्पर में आता है ए सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर इज यूजली मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मेटेरियल और जो भी स्कल्पचर हम उससे एक ही मटेरियल हमें जरूरत पड़ता है जैसे कि अगर हम कोई भी आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो उसमें क्या है हमें अलग अलग चीज़ों का जरूरत पड़ता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है एक ही चीज़ से अगर ब्रश से बन रहा है तो ब्रश का ही जरूरत पड़ेगा अगर आ, क्ले से बन रहा है तो क्ले का ही जरूरत पड़ेगा और दूसरा कोई भी मटेरियल उसमें यूज नहीं करते हैं दूसरा ये क्या है ये एक्यूरेट नहीं होता है मेजरमेंट इसका हम लोग एक्यूरेटली नहीं लेते हैं तो हम लोग का जैसे एग्जाम्पल हो गया जैसे नटराज का इमेज डांसिंग गर्ल जो हम लोग को मिला था आ, हर सिविलाइजेशन के टाइम में वो सब इसके अंदर आ जाता है स्कल्पचर के अंदर ओके देन इंडियन आर्किटेक्चर क्या है वो देख लेते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज ए स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन अगर हम आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग का जो कल्चर के बारे में आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन के बारे में भी जानना जरूरी है द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज़ रूटेड इन इट्स हिस्ट्री कल्चर एंड रिलीजन अगर हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया अगर देखेंगे तो ये क्या है रूट से बिलोंग करता है हिस्ट्री का हम लोग का जो कल्चर है उसके ऊपर बिलोंग करता है हम लोग का रिलीजन के ऊपर बिलोंग करता है कि हम लोग कौन सा रिलीजन का है किस तरह से हम बनाते हैं अगर हम लोग पहले का देखेंगे तो टेम्पल बहुत सारा मिलता है फिर मेडिवल टाइम का देखेंगे तो बहुत सारा टर्म और मस्क्यू ये सब देखने को मिलता है तो ये सब हम लोग का क्या है रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम बनाते हैं चर आर द बेस्ट नो हिस्टोरिकल स्टाइल अगर हम लोग नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग का ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ आर्कीटेक्चर है कंस्ट्रकटिंग हिंदू टेम्पल जो है वो अलग अलग डिजाइन का है अगर हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बारे में बात करेंगे तो हम लोग का जो हिस्टोरिकल स्टाइल है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं तो बहुत सारा इसमें आ जाता है हम लोग का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द एशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल अगर हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश रूल तक देखते हैं तो ये क्या है बहुत ही अलग अलग है पहले अलग था बाद में मेडिवल टाइम में अलग हुआ फिर ये ब्रिटिश रूल के टाइम में भी अलग अलग बिल्डिंग बहुत सारे बने जो ब्रिटिशर आए तो वो लोग अपना रोमान और यूरोपियन स्टाइल का आर्किटेक्चर भी यहाँ पे इंडिया में बनाए तो हम लोग का इंडिया में बहुत सारा चीज़ है जो देखने को मिलता है पुराना जमाना का भी देखने को मिलता है और नया ज़माना का भी ओके तो देख लेते हैं द बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर हैव ए नरेटिव ऑफ़ देअर ओंस तो ये सब क्या है बिल्डिंग्स और जितना भी ये है स्कल्पचर है वो सब अलग अलग पर डिपेंड करता है पहले कैसे लोग रहते थे उसके बारे में हम जान पाते हैं बाद में मेडिवल के टाइम में हम लोग का तो ये देखने को मिलता है बहुत सारा ये स्कल्पचर बनाया है बिल्डिंग बनाया गया है तो उसके बारे में देख के भी हमें पता लगता है कि उनका कल्चर कैसे हुआ करता था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर अगर हम लोग का इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे क्लासीफाई करेंगे तो कौन सा पीरियड में कौन सा ये हुआ करता था कौन सा आर्ट चलता था उसके बारे में देख लेते हैं हम एंशियन इंडिया में हम लोग का कौन कौन सा आ जाता है हरापन आर्ट आ जाता है मौरियन आर्ट आड, मौरियन आर्ट के अंदर हम लोग का क्या है पोस्ट मोरियन और गुप्ता एज आ जाता है साउथ इंडियन आर्ट में हम लोग का आ जाता है हड़प्पन और ये सब एंशियट में ही हम लोग का आ जाता है वो अगर मेडिवल इंडिया के बारे में देखेंगे तो दिल्ली सुल्तानट जो हम लोग का ताजमहल है कुतुब मीनार है ये सब देखने को मिलता है मुगल आर्ट है वो देन मॉडर्न इंडिया का अगर हम देखेंगे दूसरा तो इंडो गोथिक स्टाइल होता है जो कि हम लोग को गोवा और केरला ये सब में जो मंदिर नी चर्च ये सब देखने को मिलता है तो ये सब क्या है इंडो गोथिक स्टाइल में है न्यू रोमान स्टाइल में भी बहुत सारा चर्च और बिल्डिंग हमें देखने को मिलता है हरापर आर्ट एंड कल्चर के बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ पे उस समय कैसे बना गया करते थे किस तरह से बनता है ए फ्लोरिसिंग सिविलाइजेशन एमर्ज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम बी एंड स्प्रेड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया तो हम लोग का हर अपन कल्चर के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कब है हम लोग का जो थर्ड मिलीनियम बी सी ए में था एटीन हंड्रेड से पहले हम लोग मानते हैं इसे तो ये उस समय वो लोग नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में ये कर रहे थे स्प्रेड कर रहे थे वहाँ पर रहा करते थे द फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म फ्राम वेरियस साइट ऑफ सिविलाईजेशन एक्लूड्स स्कल्पचर सील पोटरी गोल ऑर्नामेंट टेरिकोटा फिगर्स एक्सेट्रा तो हम लोग अगर ये करेंगे तो हम लोग का जो साइट है सिविलाइजेशन का साइट है इंडस वैली या हरापन सिविलाइजेशन वहाँ पे हमें बहुत सारा चीज़ मिला है जो हम मूर्ति मिला है देन सील मिला है पोटरी मिला है गोल ऑर्नामेंट जो पहले के लोग भी पहनते थे वो सब भी हम लोग को एविडेंस मिला है टेरिकोटा मिला है देन फिगर्स ये सब भी बहुत सारा मिला है डेलीफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स वाज हाईली रियलिस्टिक इन नेचर अगर वो लोग का ये देखेंगे तो एनिमल फिगर और जो ये है ह्यूमन का फिगर है वो लोग एकदम रियलिस्टिक नेचर जैसे बना के ये करते थे दर्शाते थे दैन मॉडलिंग ऑफ द फिगर वाज डन इन अन एक्सट्रीमली केयरफुली मैनर और जो भी मॉडलिंग बनाते थे वो लोग फिगर का या मूर्ति बनाते थे एकदम केयरफुली मैनर से वो उसे बनाते थे टू मेजर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एलोंग द इंडस आर नॉर्थ सिटी ऑफ हरापन साउथ महेंजो दारो आर एमोंग दर्लीस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविक्स प्लानिंग अगर हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखेंगे तो दो साइट हमें हम देखने को मिलता है जो कि रिवर इंडस साइड में है नॉर्थ साइड में सिटी ऑफ हरापन और साउथ महेंजो दारो जो है वो अर्लीस्ट फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविल प्लान है हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पे जो महेंजोदारो में बहुत ही अर्बन सिविल प्लानिंग हुआ करता था जो कि मॉडर्न टाइम में भी मेडिवल टाइम में भी इतना अच्छा नहीं हुआ करता था उससे भी बहुत अच्छा प्लानिंग वो लोग का था द साइट शोकेस वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ सिविल प्लानिंग और ये बहुत ही खूबसूरत सा था जैसे कि अभी के हम लोग के जो मॉडर्न जमाना में बनाते हैं किस तरह से ड्रेनेज रखना है स्ट्रीट किस तरह से रखेंगे कहाँ से पानी जाएगा किस तरह से रहेंगे उस हर चीज़ को वहाँ पे बनाया गया था हाउसेस मार्केट स्टोरेज फैसिलिटी ऑफिस एक्सेट्रा ये सब बहुत ही अरेंज के साथ में बनाया गया था एकदम नया पैटर्न की तरह देन सम इम्पोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया आर्कोलॉजिकल फाइंड आर तो बहुत सारा हम लोग को जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन कौन सा साइट में मिला है वह देख लेते हैं हरापन जो कि हम लोग का इन प्रेजेंट पाकिस्तान में देखने को मिलता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि टू तो हम लोग का जो पाकिस्तान में रवि टू रिवर जाता है इंडिया से जो हो जाता है वो जगह में हमें हरापन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है देन रो ऑफ सिक्स गैनरिज विथ बिग प्लेटफॉर्म एंड इज द टू बी दाइट इन 1921 और ये 1921 को इसको ये किया गया था पीपल ऑफ हरा एंगेज इन कटिंग स्टोन पॉलिशिंग ब्रेड कर्विंग सील मेटलर्जिक इवोरी वर्क एंड क्राफ्ट वर्क और वो लोग वहाँ पे क्या क्या करते थे कटिंग करते, करते थे स्टोन का पॉलिशिंग करते थे ब्रिड का देन कर्विंग सील ये सब बनाते थे फिर इवोरी ये सब का सेप बनाते थे अलग अलग क्राफ्ट वर्क भी करते थे महेंजे दारो का हमें था देख लेते हैं द नहीं इज रेपुटेड टू तो सिग्निफाई द माउंट ऑफ द डेथ। तो इसका मतलब ये होता है द माउंट ऑफ द डेथ द आर्किटेक्चरल आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द साइट वाज फर्स्ट रिकॉगनाइज इन टू और येग्नाइज किया था ऑन द ईयर आफ्टर दी ऑफ हरापन हरापन को डिस्कवरी किए थे ट्वेंटी वन को उसके एक साल बाद में इसे डिस्कवरी किया गया था दिटा ड ग्रेट बाथ द ग्रेनरी ऑफेड फ्रिस्ट द फेमस ब्रोंस स्टेच्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सिल तो वहाँ पे ये सब मिला था हम लोग को सिटारल में और सिटारल देखने को मिला था ग्रेट बाथ देखने को मिला था ग्रेनरी देखने को मिला था फिर दूसरा हम लोग को जो मूर्ति मिला था वहाँ का फ्रिज का जो कि ब्रेडेड फ्रिज था फिर ब्रॉन्ज स्टेचू एक था डांसिंग गर्ल का फिर पशुपति का सिल भी वहाँ पर हमें देखने को मिला था ये हमें महेंद्र में, हम में देखने को मिला देन दूसरा हम लोग का है धोलाबीरा जो गुजरात में पड़ता है देन Giant Water Reservoirs unique water harvesting system, dam, stadium. It is the largest. लेटेस्ट आई वी एस इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट मीन्स आई वी एस आई वी सी सिटी टू बी डिस्कवर तो यहाँ पे जो गुजरात में ये डिस्कवर हुआ है इसमें क्या क्या डिस्कवर हुआ है डैम स्टेडियम वाटर हार्नेसिंग सिस्टम ये सब रिजर्वर्स ये सब हमें वहाँ पे डिस्कवर किए देन लोथल जो दूसरा ये में है गुजरात में ही है वहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिला वो देख लेते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम लोथल टेल आस दैट इट वॉज ऑन इंडस्ट्रियल एरिया तो ये लोथल को अगर हम देखेंगे आर्कोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से तो वो एक इंडस्ट्रियल एरिया एरिया में जाता है और ए डकवाड वो फाउंड गुड टू है सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया और वहाँ पे डकवाड ये सब भी देखने मिला जैसे कि अलग जहाँ हम लोग का सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया का उस तरह से देन दूसरा देख लेते हैं मेहरगढ़ जो पाकिस्तान का है मेहरगढ़ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इन दर्किटेक्चर आर्कोलॉजिकल तो आर्कोलॉजी जब ये किए डिस्कवर किए तो वो लोग ये किए कि ये नियोलिथिक साइट का ये है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है इट इज नाउ कंसिडर्ड टू बी एन प्रक्यूजर्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऐसे भी ये किया गया कि ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है इट डिसकवर से न्यू लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉज एंड एग्रेरियन ऑफ़ ऑफ़ स्टोन पीपल साउथ एशिया तो ये हम लोग का जो ये सिविलाइजेशन था वो डिस्कवर करने का हिसाब से वहाँ का जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है लाइफ स्टाइल है ये सब बिलोंग करता था साउथ एशिया से और जो अदर प्रोमिनेंट मिला था हम लोग का इंडस्ट्रियली वैली सिविलाइजेशन में दैट इज राखीगढ़ हरियाणा में पड़ता है हमारा रोपर पंजाब में है कालीबागान राजस्थान दिसलपुर हमारा गुजरात में है मंद जम्मू कश्मीर काश्मीर पबूमाथ गुजरात और करणपुरा राजस्थान तो ये हम लोग का है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्किटेक्चर इन हरापन सिविलाइजेशन का थोड़ा देखेंगे तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय